तो आपको एक बात शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी पता चलेगा कि भाई साहब ने क्या चीज बनाई है। तो ये मेरे पीछे ट्रैक्टर देख रहे हो, ये है छोटा इलेक्ट्रिक मिनी ट्रैक्टर, तो भाई साहब इन्होंने बनाए, इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो सर जी, पहले तो जो भी आपकी इस वीडियो को देख रहा है उसको तहे दिल से नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं वकील सिंह पवार, तहसील पीलीबंगा, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और गांव कुमाना। और हमने ये जो किसान भाइयों के लिए हमने ये मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर मॉडल जो हमने तैयार किया हुआ है, पिछले तकरीबन 2 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आज हमारे पास ये पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके लिए आप हमसे जो भी पूछेंगे हम उसका आपको सही जवाब देंगे। तो सर जी, हमको ये बताइए, आपने इस ट्रैक्टर को क्या सोच के बनाया है? सर जी, हमने ये सोचा था कि आज देखिए डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस दामों को देखते हुए हमने 3 भाइयों ने मिलकर एक योजना तैयार की कि हम कोई ऐसी ही चीज़ बनाएं जो कि किसान भाइयों के लिए बढ़िया साबित हो। तो हमने एक मिनी ट्रैक्टर के बारे में हमने सोचा कि कारण आज देखो इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, तो हमने सोचा कि एक मिनी ट्रैक्टर तैयार किया जाए, जैसे किसान भाई को थोड़ा बहुत सामान खेत से घर से खेत ले आना उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसी के हिसाब से देखते हुए हमने ये मिनी ट्रैक्टर तैयार किया हुआ है जो कि तकरीबन बहुत ही छोटे साइज में है, जिसकी 4 फुट की चौड़ाई है, तकरीबन 7.5 फुट इसकी लंबाई है और ये 3 से 4 क्विंटल वजन खींचने की इसमें शक्ति है। तो मैं बात करूंगा कि इस ट्रैक्टर को बनाते समय आपको कितना टाइम लगा? तकरीबन सर मान के चलिए कि पिछले, जैसे मैंने पहले बोल दिया है कि 2.25 महीने के टाइम में हमने पहले प्रोजेक्ट के कारण हमें टाइम लगा 2.25 महीने। 2.25 महीने में आपने रेडी कर दिया? पूरा रेडी कर दिया हमने, 3 भाइयों ने मिलकर। तो इसमें आपने क्या क्या मतलब इलेक्ट्रिक सामान या प्रोजेक्ट में क्या क्या उपकरण लगाया? देखिए जी, पूरा का पूरा सिस्टम ये बैटरी से नहीं होता, इसमें हमने 4 बैटरी लगाई हुई है, जैसे 100 HK की बैटरी होती है। हाँ जी, हम बॉर्नर खोल के दिखा सकते हैं। आपका ये डिजाइन है ना, वो बिल्कुल मस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये देखिए, ये भी लगा रखा है आपने स्टैंड। देखिए इसकी बॉडी की बनावट हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार की हुई है, उसके अंदर हमने ये 4 बैटरी सेट कर दी इसमें एक्साइड कंपनी की, और ये साथ में चार्जर फिट कर दिया, किसान भाई को अलग से चकने की जरूरत नहीं है, इसको उठाने की जरूरत नहीं है, और साथ में इसके कंट्रोलर फिट कर दिया जो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करेगा, और ये वायरिंग आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसमें सेटिंग की हुई है, बिल्कुल सेफ तरीके से की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये देखिए, ये डीसी कन्वर्टर है, इसको कन्वर्टर बोलते हैं, जो कि 12 वोल्ट का काम करेगा, अदरवाइज आप इसमें कहीं भी 12 वोल्ट का कोई सामान इससे अलावा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 48 वोल्ट है सर। और सर जी, अगर मैं बात करूँ तो ये कितने टाइम में चार्ज हो जाता है और कितने किलोमीटर ये चल जाता है एक बार चार्ज करने के बाद? देखिए सर, इसको फास्ट चार्जर अगर आप यूज करते हो तो तकरीबन 3 से 4 घंटों में इसकी बैटरी फुल हो जाती है, और उसके बाद अगर आप इसको लोडिंग में यूज करते हो, लोडिंग में चलाते हो, तो लमसम चलेगा ये 50 किलोमीटर। मान के चलिए कि 30 रुपए की खपत है लाइट की इसकी, और उसके बाद 50 किलोमीटर चलेगा। अगर आप इसको खाली चला रहे हो तो तकरीबन मान के चलिए 70 से 80 किलोमीटर चलेगा ये। 70 से 80। हाँ जी, 48 वोल्ट 1250 वाट मोटर किट पे हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। और ये अगर कच्चे पक्के की बात करें तो कच्चे में भी कामयाब है? कोई दिक्कत नहीं है, काम इसमें हमने कमानी नहीं, ये ट्रैक्टर टाइप है जी, आगे वाला हिस्सा जैसे ओरिजिनल ट्रैक्टर का होता है ना, ये हिस्सा वैसे वो स्पाइरल सिस्टम हिस्सा भी हुए, चारों टायर हमने ट्रैक्टर गुड्डी वाले दिए हुए हैं, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कितने की स्पीड पकड़ लेता है ये? तकरीबन मान के चलो 0 से लेके 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर। और आपने जैसे ये नाम VTA ग्रुप, इसका मतलब क्या है? सर जी, ये जो VTA ग्रुप का मतलब ये है कि हम 3 भाई हैं सर, जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं तीनों भाई मिलके करते हैं, वो तीनों भाइयों के नाम है हमारे। वी से वकील सिंह, जो कि मैं हूँ, और डी से तरसेम सिंह, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम करता है, और ए से एक हमारे बीच तीसरा भाई है वो अमर सिंह, जो वेल्डिंग का काम करता है। मतलब अलग अलग काम बांटते हैं? अलग अलग काम, हमारा ये चैन सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे काम करने में आसानी भी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी सर जी, हाँ जी। जैसे आप देखिए कि इसकी बॉडी की मैनेजमेंट करूँ, पहले तीनों भाई बैठ के इसकी हमने डिस्कस तकरीबन 6 दिन इसकी डिस्कस कर ली, एक तो बोल रहा है कि इसकी डील कर दी जाए, दूसरा भी बोला कि ट्रैक्टर कर दी जाए, तो मैंने सोचा कि दोनों भाइयों को
इसलिए तो हमने सोचा कि आगे से जीप की लुक और पीछे इसकी डक की लुक। और आपने MR कंपनी का टायर यूज किया पीछे वाले? हाँ जी सर। तो ये ट्रैक्टर के टायर है या कैसे है? देखिए सर, इस टायर का नंबर है 816 नंबर। 16 नंबर रिम पे चढ़ेगा सर ये टायर। जैसे ट्रैक्टर के आगे वाले फोरे फोर के टायर आते हैं ना, वो वाला टायर है। हाँ जी। और आगे वाला टायर जो सर आप अल्टो के इसमें लाइव भी डाल सकते हो, अल्टो वाला रिम है सर ये। और 612 नंबर टायर का साइज है। ये टायर यहाँ से हमें मिला नहीं ट्रैक्टर गुड्डी में, तो हमने ये सर बाहर से मंगवाया हुआ। और लोगों भी आपने जबरदस्त किया है। हाँ जी, ये भी हमारी जो कंपनी है VTA ग्रुप, ये हमारे तीनों भाइयों का हमारा ग्रुप है। और ये VTA ग्रुप से नाम से ही हमारा YouTube चैनल है। हाँ जी सर, ये हमने वो कपड़े वाला हुड नहीं दिया सर, ना फाइबर वाला। और ये सीट आपने कौन सी दी सर? ये कार की सीट है, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे 2 घंटा रुकना पड़ गया, तो आप इसको ऐसे ही इसको टेपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पे सो सकते हो। और आगे से सर इसकी जो आप कटाई की मेन बात करें, स्टेयरिंग की बात करें, तो आप लोग पूछे कि ये पावर है या सिंपल है, और ना तो ये सिंपल है ना पावर है। ये हमारे तरीके से बनाई गई है कि कटाई बहुत ही शानदार है सर इसकी। आप देख सकते हो गुड्डी ट्रैक्टर की कैसे कि आराम से ये कटाई कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। पावर से भी बढ़िया है, और चलाने वाली दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रकार की। और ये स्विच आपने उपयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, ये हमने लोगो लगाए हुए हैं, जैसे ये हॉर्न का स्विच हो गया, और ये सेंसर बत्ती का जो चल, और ये हेडलाइट होगी। और ये देखिए सर, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम मेरे ब्रदर ने ये दिया हुआ है कि अगर आपने समझ कर यहाँ पे चार्ज लगा दिया तो चार्ज नहीं करेगा ये। ये आपको दोनों को यहाँ पे बटनों को थोड़ा खींचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये चार्जिंग होगा। और इस तरफ सर ये हमने बटन खाली दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा काम ऑर्डर का है, ये ऑर्डर पे तैयार हुआ है। तो उन्होंने डिक नहीं लगाने के लिए बोला, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के वो ग्रंथी है जिन्होंने मंगवाए हुए। तो यहाँ पे आप डिक वगैरह म्यूजिक लगा सकते हो, ठीक है जी। और ये सर वो इंडिकेटर वगैरह की सेटिंग जैसे भी आप करनी यहीं से करेगा ये। और ये वो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड के, और ये 4x4 अगर कहीं भी पार्किंग जैसे आपने जाना रास्ता क्रॉसिंग रास्ता आ जाए, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ जी सर। तो अभी पीछे की बात करें। हाँ जी सर। तो आपने हुक भी लगाया, ट्रॉली बनाई है इसकी? हाँ जी सर, मिनी ट्रॉली तैयार की हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मतलब कोई किसान भाई अगर खेत से सामान लेकर आना चाहे तो लेके आ सकता है। उसके बारे में बताऊंगा कि वो तकरीबन 3 फुट की उसकी चौड़ाई है, और तकरीबन 6 फुट उसकी लंबाई है, और 1.5 फुट उसकी बाहर की ऊंचाई है। कट्टे बाड़ी की ट्रॉली हमने तैयार की हुई है, जो इसके पीछे बहुत ही बढ़िया लगती है, जैसे आप सामान कोई भी ला सकते हो, छोड़ सकते हो। और सर जी, अब एक बात ये करेंगे, ये जो ब्रेक दे रखा है आपने, हाँ जी, देखिए सर, ये दोनों सेंसर पे काम करते हैं। अच्छा, ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है। अगर मान के चलो आपने ब्रेक दबा दिया तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। और ये सर, ये गियर वाला स्विच है आगे पीछे का, बस इतना ही है। इसको आप चालते को भी अगर फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब स्पीड कम ज्यादा के लिए एक्स्ट्रा गियर नहीं है इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल आप कहीं 0 से स्पीड में चला सकते हो आप इसको। वो तो एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। हाँ, एक्सीलेटर से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप इसको। तो अब लास्ट में ये बात करेंगे सर जी, आपने इसकी प्राइस रेंज क्या है इसकी? देखिए सर, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2,10,000 के से लेकर ट्रॉली है। बाकी सर, इसकी डेकोरेशन के हिसाब से, मोटर किट के हिसाब से वो रेट ऊपर नीचे हो जाएगा सर। अगर आप बड़ी मोटर लगानी है, ज्यादा वजन खिंचाना है, तो बड़ी मोटर डल जाएगी, तो उसकी कंप्लीट किट पड़ेगी। इसमें हमने कोई जुगाड़ नहीं लगाया हुआ है, ये कंप्लीट किट पे तैयार किया हुआ है। अगर बड़ी मोटर की बात करें, हाँ जी सर, तो वो कितना वेट है? इसके बाद सर ये 1250 वाट है, इसके बाद सर 1500 वाट में आ रही है, वो इससे 2 क्विंटल वजन ज्यादा खींचेगी, और उसके बाद आ रही है 2000 वाट पे, तो वो तकरीबन 1 टन वजन खींचेगी कंबस्टी है जी। उसके बाद 5000 में आ रही है, जितना भी चाहो आप वजन खिंचवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी भी उसी के हिसाब से ज्यादा होगी, इसमें 4 है, दूसरे में 5 हो जाएंगी, फिर उसमें वो आगे से 6 हो जाएंगे। सर जी, अभी हमें चला के दिखाइए। अब नॉर्मल से नॉर्मल आप इसको चला सकते हैं। बिल्कुल मसला चलाने में। तो अब ये देखिए, यहाँ से हमने चेंज कर दिया गियर,
हमने ब्रेक से पैर उठा लिया, सिंपल बिल्कुल इजी। आप कितने भी स्पीड में इसको चला सकते हो, आराम से चला सकते हो। हाँ जी, उसी हिसाब से चलेगा जी। और ब्रेक भी ठीक है, पूरे बढ़िया है इसके, ऐसी बात नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है, अगर आपको डिस्क ब्रेक में ऐसा चाहिए तो वो डिस्क ब्रेक में मिल जाएंगे इसमें। इसमें लगा रखे हैं नहीं सर, ये लेदर ब्रेक है। लेदर ब्रेक जी, ये देखिए बत्ती दिखा देते हैं, हेडलाइट होगी और ये पूरे पूरे इंडिकेटर होगी, और ये पूरे पूरे इंडिकेटर हमने बंद कर दिए। अब जी मैं ऐसे हाइट साइड ये हॉर्न हो गए और पूरी की पूरी क्वालिटी हमने जो 18 चंद्र की तैयार की हुई, पहले 86 तैयार की, उसके बाद हमने पूरी की पूरी क्वालिटी तैयार की हुई। तो सर जी अभी मैं बात करूँ इसका वेट कितना है? सर इसका पूरे ट्रैक्टर का कंप्लीट वेट है सर 4.85 किलो वेट है सर। इसका पाँच क्वार्टर बेटा है। और मैं सभी भाइयों और दोस्तों को यही बात बोलूंगा कि अगर आपने इसको हमारे पास ऑर्डर बुक करना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, और ऐसी आपने वीडियो देखनी हो तो हमारा सर यूट्यूब चैनल है VTA ग्रुप से नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाई के चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोनों को चैनलों को सर। तो आपका चैनल है वो यूट्यूब पे है, ठीक है, VTA ग्रुप के नाम से, VTA ग्रुप के नाम से, ठीक है। भाई का चैनल देखना आप, और वीडियो पसंद आती है भाई की तो वीडियो को लाइक करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर तो अभी सर जी एक ट्रायल पे चलते हैं। चलो ठीक है चल।